गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे भाई टर्न पे आए थे, इस पर आप देख सकते हो पूरे पे ब्लैक आइस भी हो गई है, कहीं कहीं पे वाइट भी है। चढ़ा तो सकता हूँ लेकिन यहाँ पे जो इंक्लाइन लेवल है ना बहुत ही ज़्यादा है भाई। पूरे पे जितना ऊपर जाओगे उतनी ज़्यादा बर्फ मिलेगी। गाड़ी देखो किस एंगल पे खड़ी है आप। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी मई 2023 में, जब हम लोगों ने सोचा था कि वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला को हम अपनी ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। बट हुआ यूं कि बहुत हैवी स्नोफॉल हो गया, हम लोग 3 लोग गाड़ी में थे और हमारी गाड़ी पे रूफटॉप टेंट भी लगा हुआ था। हमारी गाड़ी का एक टायर ऑलरेडी पंचर की कंडीशन में था और साथ ही हमारी स्नो चेन्स ने भी हमें धोखा दे दिया। उमलिंगला जाने की जिद हमारे दिल में सवार थी और ठीक 3 महीने बाद यानी सितंबर 2023 में हमने दोबारा से लद्दाख जाने का प्लान बनाया। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी 2023 की दूसरी लद्दाख रोड ट्रिप की, और अगर हम ये लद्दाख रोड ट्रिप कर पाए तो हो जाएगी हमारी 1 साल के अंदर ये तीसरी लद्दाख रोड ट्रिप, जो बन जाएगा अपने आप में एक रिकॉर्ड। तो चलो करते हैं शुरुआत एक नई एडवेंचरस लद्दाख रोड ट्रिप की। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आयुषी अपने साथ है, हमारी संवाददाता, हमारी रिपोर्टर, क्योंकि वो कैमरा उठा के साइड से वो भी अपनी रिपोर्टिंग करती है और मैं भी करता हूँ। हम लोग निकल रहे हैं एक नई रोड ट्रिप पे। पीछे देख लो भाई, गाड़ी पूरी ठोसम ठोस भरी हुई है, डिग्गी के अंदर भी सामान है। इसको सेट करना है, इसको बनाएंगे प्रॉपर बेड ताकि हम गाड़ी में सोए तसल्ली से। कहीं एक दो जगह अगर सोना पड़ा, एक दो के ज्यादा ही कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सोने में ना थोड़ा सा फन आता है गाड़ी के अंदर। तो चलो चलते हैं, दिन का स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी 9 आवर्स की जॉब करते हैं, उसके बाद अपनी जिंदगी जियेंगे जो की हमें बीच बीच में थोड़े से टाइम के लिए मिलता है। तो ये लो गाइस, मैंने गलत बताया था, ये कैमरा मैन है हमारा, ये संवाददाता नहीं है। तो चलिए जी करते हैं ट्रिप की शुरुआत। परंपरा के अनुसार रीसेट कर लेते हैं, ये हो गया अपना 0। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी 0 कर लेते हैं कि एवरेज कितना देगी, भले ही अभी ट्रैफिक है लेकिन कर लेते हैं। हाफ टैंक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, देखता है कितना फ्यूल लगेगा। तो रात के इस टाइम पे बज रहे हैं 8 और हम लोग कर रहे हैं अपनी रोड ट्रिप को शुरू। तो सब मिलके एक बार बोल दो, बोल शंकर भगवान की जय। तो चलो भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि पहाड़ों पे जा रहे हैं इतने लंबे अरसे के बाद। कब गए थे लास्ट? मई में गए थे यार, और मई के बाद अब जा रहे हैं, तो पहाड़ों पे जाने की अलग ही खुशी होती है। मिलते हैं आगे कुछ नए दोस्तों से, अगर वो रास्ते में मिले तो। गाइस गुड़गांव से निकले थे हम लोग करेक्ट 8:15 के आसपास और अभी बज गए हैं 11। रीजन ये है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है ना, बड़ा सोच समझ के काम करती है। पहले उन्होंने हाईवे बनाया, बहुत अच्छा चल रहा था, कभी ट्रैफिक नहीं लगता था, मक्खन मक्खन भागते थे, बढ़िया चल रहा था। फिर इनको याद आया कि अरे मेट्रो भी तो खींचनी है यार सोनीपत वगैरह तक, तो इन्होंने मेट्रो का काम स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से भाई पिछले 1 घंटे ट्रैफिक में मरते मराते आए हैं, और इतना दिमाग खराब हो रहा था ना कि नींद आने लग गई थी। और आयुषी तो बोल रही थी आज के बाद रात में आऊंगी ही नहीं। और ये साथ में हमारे आपको दिख रही है एक स्पेशल शॉप, एनर्जी अगर किसी को लेनी है तो यहाँ से मिल जाती है। सो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं मूरथल, और यहाँ पे हमारे ना 2 ढाबे बहुत ही फेमस है, मतलब हमको ज्यादा पसंद है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है शिवा ढाबा, जो कि फ्लाईओवर से नीचे लेफ्ट में पड़ता है, मतलब फ्लाईओवर पे आपको नहीं चढ़ना है मूरथल वाले पे, मूरथल मतलब अमरीक सुखदेव वाले पे। या फिर दूसरा, अमरीक सुखदेव तो देखो है ही, वो तो फॉरएवर है, वो तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी खाली जगह चाहिए तो आप शिवादा ढाबा पे भी जा सकते हो। शिवा ढाबा ये वही है जो कि अपना उत्तराखंड वाली चेन में पड़ता है, जो मेरठ वाले हाईवे पे पड़ता है। तो कुल मिला के 2 ऑप्शन है। अभी अपन अमरीक का ही सोच रहे हैं, क्योंकि भाई मूरथल वाले रूट पे आते हैं ना तो अमरीक का ही खाना खाने का मन करता है। ये आ गया गाइस, इस ढाबे का नाम है शिवा मामा यादव। जो मामा यादव का है ना, ये ओरिजिनल है, बाकी इसकी कॉपीज है। ये है मेन ढाबा, ये देखो भाई, ये देख लो, यहाँ पे यही वाले कार्यक्रम चलते हैं बढ़िया। ये आ गए अपन अमरीक सुखदेव पे, या तो जग्गी पे अम्बाला में ऐसा माहौल मिलता है, या फिर यहाँ पे मिलता है। हर बार हम अलग जगह बैठते हैं, इस बार सबसे अंदर आके बैठे हैं। तो लो भाई, हमने अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए एक पराठा मंगाया उधर और एक इधर, आलू और गोभी का, साथ में दही, और ये जो हमारा सबसे फेवरेट घी है भाई। अमरीक की अब हाइप ज्यादा रह गई है, पराठे में वो वाला टेस्ट नहीं आया भाई मुझे, जो आता था ना बहुत पहले के जमाने में, वो पराठे का स्वाद नहीं है, लेकिन हाँ लोग आउटिंग करने के लिए आ जाते हैं तो हाइप पूरी बनी हुई है। हेलो ब्रेजा की ऑनर, कैसी हैं आप? कॉफी पियोगे मैम? नो, हम कॉफी लेने जा रहा हूँ कॉफी। सो गाइस, जो ऐसी शॉप है ना, इस वाली पे तो है नहीं, पीछे दो शॉप है, गरम धर्म से पहले और मूरथल के अमरीक से आगे। तो वहाँ पे तो भैया लूट रहे थे, इतनी छोटी वाली कैन 100 रुपीज के MRP वाली 120 में दे रहे थे। तो ये कैफे दिखा मिस्टर चाय के नाम से, यहाँ पे कॉफी दे रहे हैं कोल्ड कॉफी 120 रुपीज में, तो मेरे को सुनने में अच्छी लगी, तो मैंने कहा ट्राई भी कर लेते हैं, क्या पता अच्छी हो।
तो गाइस जो पीछे हमारे कैफे है ना, यहाँ पे भाई अपने को कॉफी मिली 120 में। ये मग मिला है, पी के देखते हैं। बढ़िया है, मजेदार। मैंने बोला था थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना देना और प्लस चीनी थोड़ी कम डालना, मजा आ गया। ये साड़ी विदेशी कंपनी लूट रही है, नेस्कैफे की जरासी कैन दे रहे थे, इतनी सी 100 रुपए की थी वो वैसे, लेकिन वो दुकान वाला 120 की लूट रहा था। ये देखो 120 रुपए में देख रहे हो कितनी तगड़ी है, ये दो कैन बन जाएगी उसमें से, है ना। अरे लूट रहे हैं नेस्कैफे पेस्कैफे यार, कुछ सही कर लो अपना सिस्टम, ऐसे थोड़ी है। नीलकंठ, अब हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र ने हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ पे अगर एक शॉप खुल रही होगी ना तो डेनेवर की टी शर्ट आपको केवल 200 रुपीज में मिल जाएगी। तो अब यही चेक करने के लिए चलते हैं नीलकंठ। भाई ये देखो यहाँ पे ये सारी आउटलेट है, सबवे सब कुछ है, बरिस्ता सब कुछ सिस्टम है। अब यार ये दुकान तो बंद लग रही है यार, ये वाली शॉप है यहाँ पे मिलती है भाई 500 रुपए की दो टी शर्ट, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। ये वाली है जो राइट में लग रही है, अंदर भी है, एक टी शर्ट है। अच्छा अंदर भी है भाई, 500 रुपए में दो टी शर्ट मिलती है। और मेरे को अपने भाई ने बताया था कि एक्चुअली क्या है कि कैनेडा ना एक्सपोर्ट होती है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस वजह से यहाँ पे स्पेसिफिकली इसी शॉप पे ना सस्ती मिलती है। तो उसने तो 200 में ली थी, अब 500 में दो मिल रही है, वो भी माड़ी नहीं यार, बहुत ही सही है। गैस केवल हम लोग है ना, अभी कितनी दूर बढ़े होंगे यार, एक घंटा हार्डली 50-60 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, और दोबारा से एक और कॉफी लेनी पड़ गई। अगर नाइट में ड्राइव कर रहे हो ना तो भाई कॉफी लेनी पड़ जाती है, नींद भयंकर आती है। और आयुष ये कि भाई बिना कॉफी के चल रही है, तो बोल रही है मेरे को तो ड्राइव कर, मेरे लिए मेरी कॉफी का काम मेरे गाने करते हैं, तो ये गाने सुन रही है, मैं कॉफी पी के चलता हूँ। गाइस हम लोग अंबाला पहुंचने वाले हैं, और भाई देख लो 20 पे माइलेज पहुंचा दिया तुम्हारे भाई ने। अभी दिखाए तो किलोमीटर कितने चली है टोटल, अभी गाड़ी 190 किलोमीटर चली है मतलब अपने ऑफिस से। और ये जो 20 का माइलेज निकाला है ना, इसमें खाली भाई क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी यूज करी है मैंने, क्रूज कंट्रोल मेरा मैनुअल है जो मेरे पैर में लगा हुआ है, उसकी हेल्प से मैंने निकाली है। 80 के आसपास स्पीड रख रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं ले जा रहा, 80-85। लो जी चक्की आ गए, चक्की सिटी सेंटर हरियाणा, हरियाणा यहाँ से खत्म होता है, पंजाब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं मोहाली, गुड़गांव से लेके हाफ टैंक में मोहाली आ गए हैं, अभी भी 2 पॉइंट बचे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे फ्यूल टॉप अप कराना जरूरी है क्योंकि इसके बाद सीधा मनाली पहुंचेंगे। इस टाइम पे मोहाली वाले रोड पे चल रहे हैं, और इसमें ना ज्यादातर पेट्रोल पंप है ना बंद है, बड़ी मुश्किल से एक आधा पेट्रोल पंप है जो खुला हुआ है। दिन में तो ये खुले रहते होंगे ना पेट्रोल पंप जितने भी है, रात में बंद रखते हैं ना, पीछे के कुछ पेट्रोल पंप बंद थे। सो गाइस जस्ट अभी मोहाली क्रॉस किया, और अभी हो रहे भाई 3:54। अब थोड़ी देर बाद रूपनगर आने वाला है, और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे नजारे पहाड़ों के। समझते थे कोई हम जैसा हाजी। सो गाइस इस टाइम पे हम लोग रूपनगर में खड़े हैं, और अपने साथ दो गाड़ियां और ऐड हुई है, एक स्कॉर्पियो है, इन भाई से मिलवाएंगे आपको, थोड़ा उजाला निकल जाए उसके बाद, और इधर अपने साथ ऐड हुई है जिमनी। सो गाइस फाइनली चढ़ाई शुरू हो चुकी है भाई, और हमको है ना दूर दूर के माउंटेन्स दिख रहे हैं जिनके ऊपर है ना घर बने हुए हैं, और छोटी छोटी लाइटें जल रही हैं। अब थोड़ा सा देर और रुक जाओ, उसके बाद उजाला हो जाएगा। हम इस टाइम पे इंक्लाइन लेवल पे हैं, और ये धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं भाई। पीछे तो फास्टैग देके आए अभी हम, अभी तो कटा है, तो ये किसका है? पहले तो नहीं होता था लेकिन भैया ये भाई फास्टैग तो फास्टैग तो पूरा नेशनल लेवल है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। कितने रुपए का है? देखो भाई गाइस ये तो यार बहुत ज्यादा लूट मचा दिया, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, हमने एक फास्टैग कटवाया है, 500 मीटर आगे बढ़े हैं, और दोबारा से हमसे एक टोल चुंगी के नाम पे जो वसूल किया जाता है ना कि हिमाचल में एंट्री कर रहे हो तो इस बात का, अब या तो ये वो वसूली कर रहे हैं जो हिमाचल में नुकसान हुआ है, चलो ठीक है वसूली कर लो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यार 2-4-10 किलोमीटर का डिफरेंस तो रखो, दोबारा तो नहीं कटेंगे, पता चला ये ले तक भैंस किया 2-4 लाख रुपए ले लें। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब वो कर रहे हैं, आप सोचो 500 मीटर पहले आपने फास्टैग दिया, और 500 मीटर के बाद फिर 50 रुपए की कैश की पर्ची दे रहे हो। तो लो जी अब स्टार्ट हो जाएंगी टनल्स, और ये कम से कम 10-11 टनल्स हैं जो कि बैक टू बैक बनी हुई है। इन्होंने जो मनाली का सफर है ना बहुत आसान कर दिया है, हाल ही में जो ट्रेजेडी हुई थी ना उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है कुल्लू और मनाली वाले पैच में, लेकिन टचूट शायद ये बच गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सालों के बाद बनी है, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा फूका इनको बनाने में, और इनकी वजह से ना बहुत ही ईज हो गया है लोगों का कनेक्शन मनाली पहुंचने के लिए, 4-5 घंटे में मनाली पहुंच सकते हो आप पंजाब से, तो ये
टनल्स तो भाई नेक्स्ट लेवल बनाई गई है गाइस। इस टाइम पे ना आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन अगल बगल में ना हमारे पहाड़ चल रहे हैं जिनको काट के टनल्स पे टनल्स बनाई हुई है और बहुत ही मक्खन रोड बनाया हुआ है। लेकिन बस ये है कि 5:15 हो गए हैं, आधे घंटे की और बात है, उसके बाद उजाला निकल जाएगा तो फिर आपको हर एक पहाड़ अच्छे से दिखेगा। ब्लॉक में बने रहना, जहाँ पे भी रोड की कंडीशन में चेंजेस आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं, अच्छाई या फिर बुराई या फिर जो भी नुकसान हुआ है, वो सब अपन इस ट्रिप पे कैप्चर करेंगे, कोशिश करेंगे आपको सारी कंडीशन दिखा सके ताकि आप भी प्रिपेयर होके माइंड से फिर आ सको अपनी ट्रिप करने के लिए। सुबह हो गई मामू, रे मामू, रे मामू। मामू पता है कौन है? आयुषी। पूरे रास्ते तकिए के सारे से सोती हुई आई है ये बेशरम औरत। आप नहीं बोलेगी कुछ? अच्छा लग रहा है ना सो जा। गाइस सामने के नजारे देखो यार, क्या सुंदर है। बगल में पहाड़ है, लेफ्ट में पहाड़ है, राइट में पहाड़ है, और भाई इस टाइम पे टेम्परेचर हो रखा है 21 डिग्री और थोड़ी थोड़ी धुंध भी हो रही है यहाँ पे। लेकिन कुल मिला के भाई मजेदार दिख नहीं रहा है आपको कैमरा में, लेकिन रियल आंखों से दिख पा रही है मुझे पहाड़ों की शेड और साथ में भाई धुंध। मैं अभी आप लोगों से इस नज़ारे की बात कर रहा था, अब जो आपको सामने दिख रहा है ना भाई एक नंबर, बहुत ही शानदार है। इधर का व्यू देखो यार, अभी देखो सनराइज नहीं हुआ है लेकिन नज़ारे देखो आप। भाई इस बार जो टोलों की संख्या है ना बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है यार, यहाँ पे फिर से टोल आ गया, अभी थोड़ी देर पहले भी आया। मतलब मेरे को लगता है कि हिमाचल की शुरुआत होने से मनाली तक में मतलब कितने टोल बना दिए यार, पहले तो इतने टोल नहीं थे। रोड अच्छे हैं नो डाउट, मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा तो मत लूटो यार, गरीब आदमी है। सारा का सारा मलबा आ गया है, पूरा उधर का रोड जो है ना पूरा खत्म हो गया, मतलब डबल लेन का रोड था, सिंगल लेन का रह गया बस ये, तो ये नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। ऐसे ही कई जगहों पे लैंडस्लाइड आई है और कई जगहों पे तो खैर रोड भी खत्म हो गया है, वो आपको आगे दिख जाएगा। फिर से एक टनल आ गई है बहुत ही सुंदर, टनल नंबर 5। गाइस एक जगह पे रुके थे फ्रेश होने के लिए, इसी हाईवे पे होटल राजा के पास, पीछे का नजारे देख लो भाई, दिख रही है रिवर की पूरी पगडंडी आती हुई, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और पानी किस लेवल तक है? वो लेवल देखने आपको अच्छा 10 फुट मान के चलिए ऊपर, 10 फुट तक। और ये टैंकी डूब गई थी, वो सामने पुल दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो पुल के ऊपर था पानी। ओह ये वाला पुल जो है, अच्छा ये तो हमने नीचे क्या नाम है RCC वॉल, तो ये आपका नीचे प्लॉट था पूरा, ये पूरा ये सब खराब हो गया ना, ये वो तेरी ये सब तहस नहस हो गया इधर। अब जिस जहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है इसके नीचे हमने वो देखा ना RCC। गाइस इतने दिनों बाद पहाड़ों पे आके ना भाई कसम से दिल तो खुश हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। आयुषी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना पहाड़ देख के? हाँ क्योंकि हम 3 महीने बाद दोबारा लद्दाख जा रहे हैं, लेकिन मतलब देख के ना कितनी खुशी हो रही है, अलग ही नज़ारे होते हैं पहाड़ों के। ये देखो गाइस ये पूरा सेक्शन टूटा हुआ है बहुत भयंकर, सामने ब्रिज दिख रहा है ये देखो, ये तबाही हुई है सारी, इधर रिवर की ओर का जितना भी सेक्शन है ना बहुत नुकसान हुआ है। ये देखो ये ब्रिज था पूरा का पूरा टूट गया। सो गाइस अभी साहिबा गुंगा बोला साहिबा। सो गाइस अभी हम मंडी पहुंच चुके हैं जैसा कि तुषार ने आपको लास्ट क्लिप में दिखाया, अब यहां से हमारी जर्नी जो आगे की शुरू हो रही है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। तो हम लोग अब जाने वाले हैं कुल्लू की ओर, कुल्लू मनाली और फिर उसके बाद अटल टनल, और फिर उसके आगे कहां जाएंगे आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा, यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग, तो उसका वेट करो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।